नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत आज की मंगला आरती के दर्शन के साथ। बिफोर आफ्टर क्रम में आज ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये हैं ध्रुव घाट के दृश्य। किसी समय में यहाँ इस ध्रुव घाट पर इस तरीके की जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये स्थिति थी। और उसके बाद में यमुना मिशन के द्वारा यहाँ कार्य आरंभ किया गया, ध्रुव घाट की साफ सफाई की गई और फिर यहाँ पर यमुना जी के तट पर वृक्षारोपण अभियान आरम्भ किया गया। धीरे धीरे ये वृक्ष अपने स्वरूप में आगे बढ़ते रहे और फिर बस क्रमशः फल फूल सभी का आगमन इन वृक्षों पर आना आरंभ हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि यमुना तट पर लगे हुए ये वृक्ष अपने स्वरूप में आ रहे हैं। और यमुना मिशन के द्वारा ध्रुव घाट का ये स्वरूप कितना सुंदर हो गया है। श्री यमुना जी की संध्या आरती के पूर्व विभिन्न घाटों पर होते हैं भजन कीर्तन के कार्यक्रम। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गौघाट यमुना मिशन मार्ग पर कल भगवान गणेश की स्थापना की गई और उसके बाद में यहां पर उत्सव का होना आरंभ हो गया। प्रतिदिन अब सुबह और शाम लगातार 5 दिन तक यहां विशेष आरती के दर्शन यहां पर दर्शनार्थियों को कराए जाएंगे और विशेष मनोरथ भी यहां पर आयोजित हो रहे हैं। भजन कीर्तन से यहाँ का जो माहौल है वो संगीतमय भक्तिमय रसमय हो गया है और इस अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर गणेश उत्सव की अनुभूति यहाँ कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा अब की जा रही है सफाई विश्राम पर। प्रतिदिन यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरती से पूर्व यहाँ पर सफाई की जा रही है। इस स्वच्छता अभियान से स्थानीय निवासियों में हर्षित हो रहा है। और आइए अब आपको कराते हैं श्री यमुना जी के संध्या आरती दर्शन। आज हम सभी के लिए गौरवशाली दिवस है क्योंकि आज मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी का अवतरण दिवस है। आज यमुना मिशन परिवार की ओर से आपके अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस खास दिन पर अमृतवाणी क्रम में सुनते हैं यमुना मिशन के संदर्भ में आप ही के विचार।
इस पवित्र स्थल में आकर के यमुना मिशन के इस अत्यंत प्रयोगात्मक दिव्य सेवा कार्य का दर्शन करके मन अत्यंत अत्यंत आह्लादित है। इस कार्य के आरंभिक क्षण में जब यहाँ आना हुआ था तो निश्चित यहाँ की दुर्गंध यहाँ खड़े होने में बहुत बड़ी बाधा पैदा करती थी, लेकिन आज वो दुर्गंध कहाँ चली गई, वे बड़े बड़े नाले कहाँ चले गए और कितनी दिव्य सुंदर हरितिमा यमुना जी के पुलन पर प्रकट हो रही है। आज इस पवित्र कार्य से केवल ब्रज को नहीं, उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत देश को ही नहीं, समग्र विश्व को इस प्रयोगात्मक सेवा के कार्य से प्रेरणा लेनी चाहिए, यहाँ आकर स्वयं देखना चाहिए। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका भारत स्वच्छता अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए व्यय हो रहे हैं, सच्ची भारत स्वच्छता की क्रांति यहाँ आकर तत्संबंधित अधिकारी नेता कर्मचारी उन्हें यहाँ आकर देखना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री आकर देखें कि देश में गंगा यमुना को स्वच्छ करने का कार्य, उनके तट प्रांतों को गोवंश के चरागाह के रूप में विकसित करने का कार्य और बड़े बड़े नगरों महानगरों की गंदगी को समाप्त करके उस पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को अत्यंत परिष्कृत करने का कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है, यदि शासन और समाज का पूर्ण सहयोग हमारे बंसल जी को प्राप्त हो। और हम चाहेंगे कि ये सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग यही होगा कि कार्य में बाधा उत्पन्न न करें, ये उनका सबसे बड़ा सहयोग होगा। ऐसा सहयोग यदि करें तो हम समझते हैं कि बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक यमुना जी को दिव्यतम बनाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज ब्रज में ब्रज का प्राकट्य देखकर हजारों पक्षी नित्य प्रति यहाँ प्राकृतिक रूप से अपना दाना पानी ग्रहण करेंगे। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है कि किसी पवित्र नदी सरोवर जलाशय के किनारे एक बट पीपल गूलर या पाकर का वृक्ष कोई लगाता है, जब उसमें फल आने लग जाते हैं तो 10,000 ब्रह्मचारियों को ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य उसे नित्य प्राप्त होता है। आज निश्चित ही यमुना मिशन के पुण्य की कोई गणना नहीं है, हजारों पीपल, हजारों बट, हजारों गूलर और पाकर के वृक्ष यहाँ लगे हैं और प्राचीन वृक्ष लगाए जा रहे हैं, निश्चित यह एक बहुत उत्तम उदाहरण है। हमारी यह अभ्यर्थना है कि इस पवित्र कार्य को आकर स्वयं यहाँ देखना चाहिए और ऐसे ही दूर दूर से कह करके सुन करके विरोध नहीं करना चाहिए। पत्रकार जगत का महत्वपूर्ण योगदान है देश की सेवा में, उन पत्रकार बंधुओं को भी अपने दुराग्रह छोड़ करके इस कार्य को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, उनको देखना चाहिए और देख करके इस प्रकार की अनुकूल सूचनाएं दूरदर्शन चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस प्रकार की अनुकूल सूचनाएं जन जन तक पहुंचानी चाहिए कि जिससे इस कार्य को खूब अच्छी गति मिले। और अच्छे कार्य भगवदीय कार्य हैं,
और भगवती कार्य भगवान की कृपा से, भगवान के संकल्प से पूर्ण होते हैं। बंसल जी के ऊपर उनके पूज्य गुरुदेव श्री रमण रीति वाले महाराज जी की पूर्ण कृपा है और संतों की भी खूब पूर्ण कृपा है। प्रायः देश के मूर्धन्य संत यहाँ आ चुके हैं। पथमेड़ा महाराज की खूब कृपा है और भी अनेक महापुरुष श्री रमेश भाई ओझा जी, श्री मुरारी बापू जी, कल आज भूषण बाबा ही पधारे थे बल्लभ कुल के आचार्य चरण। तो खूब संतों से इनका स्नेह है और खूब सुंदर कार्य है। हम खूब खूब शुभकामना व्यक्त करते हैं और यमुना जी से प्रार्थना करते हैं कि यमुना जी अपनी दिव्यता को प्रकट करते हुए जितने इस यमुना मिशन के कार्य में अवरोधक हैं उनको यमुना जी तत्काल ध्वस्त करें और यमुना मिशन के कार्य के पथ को प्रशस्त करें। यमुना और ये अब दे दें आपको कल के तापमान के संदर्भ में जानकारी। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की भी संभावना। ये थे आज के मुख्य समाचार। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।